सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल जिसका नाम है विकेट बाइट किचन। सुप्रिया, मेहंदी हो गई, संगीत हो गई, शादी भी हो गई, अब क्या? अब हम लोग जा रहे हैं जमशेदपुर को एक्सप्लोर करेंगे। तो जमशेदपुर को एक्सप्लोर करेंगे स्टार्टिंग मंदिर से। तो आज मंदिर जा रहे हैं हम, यहाँ का सबसे फेमस साई मंदिर है, वहाँ से हम शुरुआत करेंगे हमारा एक्सप्लोर करने का, और फिर आगे देखते हैं हमें मैडम कहाँ कहाँ घुमाती है। तो अभी हम लोग ज्यादा दिन है नहीं, फिलहाल अभी हम लोग सिर्फ 4 दिन है, तो 4 दिन में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हम लोग जमशेदपुर को एक्सप्लोर करेंगे। और अगर आप लोग बाकी रह गया तो मेरे को कमेंट कर करके बताना कि जल्दी वापस आओ और बाकी जगह एक्सप्लोर करो, तो फिर से हम लोग जमशेदपुर वापस जल्द आएंगे। लेकिन वीडियो को एंड तक देखो और देखो हम लोग क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं। सो चलो, तो हम लोग ऑटो से ट्रैवल करके जा रहे हैं क्योंकि सागर को जमशेदपुर में ऑटो का ट्रैवल देखना है कि किस तरह से होता है। भाई मुंबई से काफी सस्ता है जमशेदपुर का ऑटो, काफी मतलब काफी। मीटर सिस्टम नहीं है, मुंबई में मीटर से चलता है ऑटो, बट यहाँ पे मीटर में नहीं है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक सस्ता है, मतलब बहुत ज्यादा। मैडम को दिखाओ, मैडम को ब्लॉग में दिखाओ, ये मेरी सिस्टर है, मतलब सागर की हाफ गर्ल है। सागर मेरे बिना एक मिनट के रह भी सकता है, इसके बिना नहीं रह सकता। और मेन मतलब देखो ना, यहाँ मेन मतलब मेरे को ये सीट अच्छा लगा, ये सीट पर कौन बैठता है? बेबी, बच्चे लोग होते हैं ना, हाँ वो बैठते हैं बेबी सीट। और ये देखो, ये हमारे स्कूल का बैठा है। अच्छा, ये सुप्रिया का स्कूल, देखो देखो देखो। और तेरा ऑफिस किधर है? उधर। ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है आपको, स्किल इंडिया करके लिखा है, ये स्किल इंडिया करके, ये सुप्रिया का ऑफिस, सुप्रिया यहाँ काम करती थी। आपको बहुत सारी चीजें नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि कैमराज अलाउड नहीं, बट कोशिश करेंगे जितना कवर करके दिखाए आपको उतना मजा आएगा। तो यहाँ के लोग कहते हैं कि ये जमशेदपुर का सबसे बड़ा साई टेंपल है। जैसे हम लोग के यहाँ है साई धाम जो कांदिवली में है, और ये यहाँ का माना जाता है। तो अभी देखते हैं अंदर जाके।
तो सुप्रिया क्या कैसा एक्सपीरियंस था? सच बोलना, इधर देख के बता। स्पीचलेस है, मेरा पूरा बॉडी अभी भी स्लिपिंग कर रहा है। मुस्कान कैसे था एक्सपीरियंस? मजा आया। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया ना? फर्स्ट टाइम और मेबी शायद लास्ट टाइम। तू इतना डर क्यों रही थी? डेंजर था, जिसका कमजोर दिल को ना आए। सो अभी हम लोग डोमिनोज आए हुए हैं, यहाँ से हम लोग लेकर के घर जा रहे हैं क्योंकि मम्मी को थोड़ा थकावट हो गया शादी से, तो इसलिए हम लोग सोचे हैं कि घर जाते हैं। नहीं क्यों बोल, क्योंकि मुस्कान यहाँ रहेगी तो ज़्यादा खा नहीं पाएगी ना, घर पे कैसा बकास हो जैसे ज्यादा खा सकती है वो, इसके लिए उसका प्लान था कि यहाँ नहीं खाते, घर पे जाके आराम से खाते। अब तुमसे अच्छा कौन समझ सकता है। तो ये देखो, ये सब हम लोग पैक करवा रहे हैं, अभी ये सब पैक हो रहे हैं और घर पे जाके